हम चलते हैं हमारे खेत में साइकिल के द्वारा और खेत में देखेंगे क्या क्या फसलें हैं। तो चलते हैं। और पहुंच गया हूं मैं मेरे खेत में और साइकिल को खड़ी कर देते हैं। तो चलते हैं खेत के अंदर। तो गाइस इस तरह का व्यू नजर आता है सरसों के खेत में। ये सरसों का खेत है, देखिए आप चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। सरसों के फूल कितने खूबसूरत होते हैं दोस्तों, देखिए गुलाब का फूल भी फीका पड़ जाता है। ये सामने पहाड़ी है हमारे खेत में, यहाँ भी ले चलूँगा मैं आपको। ये मेरा छोटा भाई है मेरे साथ में खड़ा है अभी। गाय जी आपको जो छोटे पौधे दिख रहे हैं ये इसबगोल हैं, देसी भाषा में इसे घोड़ा हीरा कहा जाता है। ये पश्चिमी राजस्थान में होता है। इसकी हाइट अभी कम है लेकिन जब ये पूरा पक जाएगा तब भी इसकी हाइट 1 फीट रहेगी, 1 फीट से ज़्यादा नहीं होता ये। ये देखिए इस तरह से है, एक साइड में सरसों हैं दूसरे साइड में इसबगोल हैं। गाय जी ये फसल दिख रही है आपको बिल्कुल छोटी छोटी, तो अभी बोई है, ये जीरे की फसल है। जीरा अभी अभी बोया हमने, बिल्कुल छोटा है। जब ये बड़ा होता है 4 महीने में बड़ा हो जाता है तो करीबन इसकी 1 फीट हाइट होती है। गाय जी आपको दिख रहे हैं ये फुहारे हैं और ऐसे करीबन 25 फुहारे चल जाते हैं हमारे ट्यूबवेल से और इनसे खेती होती है। करीबन 30 बीघा ज़मीन में खेती हो जाती है और ये फुहारे चलते इस टाइप, आपको बताता हूँ मैं। ये जो फुहारे है जब पानी आता है तो इस तरह घूमते हैं, गोल 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 घूमेंगे और पानी फसल तक पहुंच जाएगा। भाई जब हमारे खेत के चारों तरफ इस तरह की जाली है और जाली इसलिए लगाई जाती है कि नील गाय वगैरह जो आवारा पशु होते हैं वो फसल को नुकसान न पहुंचाए। ये देखिए चारों तरफ जाली की हुई है। गाइज हम खड़े हैं हमारे खेत में स्थित पहाड़ी पर और पहाड़ी से चारों तरफ का नज़ारा बताता हूँ आपको। ये सरसों का खेत है, सामने सूर्य अस्त हो रहा है। ये एक साइड बंजर भूमि है, गाइज आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है? यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।